सुस्वागतम मेरे हूँ लता पांडे संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ाया था। आपने सभी अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द पढ़े थे, इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला है। अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज देखें आप पेज नंबर 34 पर, सबसे नीचे वर्ड मीनिंग्स यहाँ दी हुई है, उसके नीचे देखिए मौखिक यानी आपको ओरल ये जो है उच्चारण करना है। जैसे शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है अध्यापका, ये पुल्लिंग है, इसी का स्त्रीलिंग शब्द होगा अध्यापिका। नंबर 2 देखें, अजा पुल्लिंग है और इसी का स्त्रीलिंग होगा अजा। अब आइए नेक्स्ट पेज 35 पर, थर्ड नंबर देखें, शिक्षिका शिक्षिका, मूषिका मूषिका, नायिका नायिका, वत्सा वत्सा, छात्रा छात्रा, वृद्धा वृद्धा। तो ये शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है और उसी का फिर स्त्रीलिंग शब्द आपको बताया गया है, इसका आप उच्चारण करें। अब आइए लिखितम, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 देखें, शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। ठीक है, ये लिखितम में 6 नंबर एक्सरसाइज है, शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये संस्कृत शब्द दिए गए हैं और उनका हिंदी अर्थ लिखना है आपको। पहला शब्द है चंद्रिका, चंद्रिका का हिंदी अर्थ होता है चांदनी, भुजा का हिंदी अर्थ है बाजू, कुंजिका का हिंदी अर्थ है कुंजी। नेक्स्ट देखें, खटवा का हिंदी अर्थ होता है खाट, कोकिला कोयल, मुक्ता मोती। तो ये संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ मैंने आपको बताए। अब आइए एक्सरसाइज गा, संस्कृत शब्द लिखिए, इसका जस्ट अपोजिट है पहले वाली एक्सरसाइज का, जस्ट अपोजिट है ये, यानी इसमें हिंदी शब्द दिया है और आपको उसका संस्कृत शब्द बताना है। जैसे झंडा, झंडा का संस्कृत शब्द होगा ध्वजा, बतख वर्तिका, बेटी सुता। नेक्स्ट देखिए चांदनी चंद्रिका, धरती धरा, गरम हवा उष्णावाता। ओके, हाँ बच्चो नेक्स्ट एक्सरसाइज हाँ देखिए, उचित वर्ण से शब्द पूरा कीजिए, यानी ये FIB है, रिक्त स्थान है, आपको उचित वर्ण लिख करके शब्द को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर में घा वर्ण लिखेंगे तो शब्द बनेगा घंटिका, नंबर 2 में नी वर्ण लिखेंगे तो शब्द बनेगा निहारिका, यहाँ का वर्ण लिखेंगे तो शब्द बनेगा इष्टिका। फोर नंबर पे देखें, ती वर्ण लिखेंगे तो शब्द बनेगा श्वेत वर्तिका, फिफ्थ नंबर पे का वर्ण लिखने पर शब्द बनेगा त्रिचक्रिका, सिक्स नंबर पे नी वर्ण आप यहाँ ऐड करेंगे तो शब्द बनेगा कनीनिका। तो इस तरह से ये घा नंबर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। और बच्चों अब आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 35 पर देखें, चित्र को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। ठीक है, चित्र बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको संस्कृत शब्द लिखना है। तो फिर वहां पर फर्स्ट नंबर का जो चित्र है उसमें चित्र के अकॉर्डिंग घटिका, ठीक है, ये शब्द आएगा। दूसरा आएगा अजा, तीसरा है द्राववर्तिका, चौथा है परिचारिका, और पेज नंबर 36 पर देखें, चित्र के अनुसार यहां शब्द आएगा दोला। दोला मीन्स क्या होता है,
झूला, कोकिला, नेक्स्ट है चटका और फिर नासिका। ये जितने भी शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं वो चित्र के अनुसार ही लिखे गए हैं। घटिका, अजा, द्रववर्तिका, परिचारिका, दोला, कोकिला, चटका और नासिका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज है चा। संस्कृत शब्द की रचना करें। ये बच्चों यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको शब्द बताना है। जैसे सरस्वती का वाद्य क्या होता है? वीणा। जहाँ बहुत से पौधे हो, वाटिका। जो अंगुली में पहना जाए, मुद्रिका। मुद्रिका यानी अंगूठी। रोगियों की देखभाल करने वाली, परिचारिका। समय बताने वाली, घटिका। घटिका यानी घड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4 तक फिल करा दिया है। सभी बच्चे बुक में पेंसिल से ही फिल करेंगे, कोई भी बच्चा पेन का यूज नहीं करेगा बुक में। तो आज का जितना भी वर्क है ये आप कंप्लीट करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।